सो अभी तो वैसे मैं सो रही थी, लेकिन मनीष ने मुझे उठा दिया कि मेरी मीटिंग शुरू हो चुकी है. सो इन कंटिन्यूएशन टू द लास्ट व्लॉग, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की वंस अगेन. आज ही अभी तो एक व्लॉग खत्म किया, दूसरा व्लॉग शुरू हो गया. वो इसलिए क्योंकि मैंने मनीष का गाना आप लोगों को सुनाना था, तो मनीष की मीटिंग शुरू हो गया और मनीष जल्दी गाना गाएंगे. तो आप भी सुनिए मनीष का गाना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा. तो चलिए चलते हैं मनीष का गाना सुनने के लिए. गा नहीं रहे हो? अरे अभी डिस्कशन चल रहा है, वैसे ही वो वर्ड्स बोल रहे हैं ना कि आपने अच्छा काम किया, ये किया. अच्छी अच्छी बात है. तो मनीष की आंखों में आंसू हैं, जूम करके दिखाए जाए दिखाए जाए दिखाए जाए. और ये देखो, स्कूल से आके इस लड़के को टीवी देखना, मैं कब से उसको सोने के लिए बुला रही हूँ. नहीं नहीं करने, चलो. मुझे तो जल्दी से नींद से उठा दिया गया है. मैं सो गई थी, नींद आ नहीं रही थी, लेकिन सोने की कोशिश कर रही थी मैं, कोशिश. तो जब तक मनीष गाना नहीं गाते, हम तब तक मनीष का इंतजार करते हैं ऐसे ही. Yes, I don't know how many of you will understand the Hindi songs, but yes, but you can, you know, just go with the, at least go with the rhythm. देखना कितनी खुशी हो रही है तारीफें सुन सुन के. है, गा भी दो अब. Yes, sure. I mean, if I know the lyrics, or then surely I will try to sing 3-4 lines of that. 1, 2, 3, start. ऐसे भोले बन कर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे. अपना दिल मैं जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है. असर चुपके चुपके हो, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके हो. क्लैपिंग. सारे वॉल्यूम कम करो. थैंक यू रमन, थैंक यू. इन वियना जी इज गिविंग अ गुड क्यू ए बट आल्सो अ गुड सिंगर टू द अल्ताफ. व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? एज आई प्रोमिस्ड यू ऑल इन द लास्ट व्लॉग कि मैं आप लोगों के साथ मनीष का गाना शेयर करूंगी, तो मैंने किया. और तो और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि अब ना मनीष के ऑफिस वालों को मेरे चैनल के बारे में भी पता लग गया है. एंड रियली वो लोग ना बात करते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगता है जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है. अप्रिसिएशन हर टाइम इन टर्म्स ऑफ व्यूज नहीं होती है, इन टर्म्स ऑफ प्रेज भी होती है, इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन भी होती है. सो ये बहुत बड़ी जीत है मेरी. मैं ये नहीं कहूंगी सब्सक्राइबर काउंट बहुत बढ़ गया, व्यूज बहुत बढ़ गया, लेकिन ये मेरी जीत है. अगर मेरे हस्बैंड की तारीफ हो रही है तो मेरी भी तारीफ हो रही है. तो ये सब, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, मनीष को काम करने देते हैं, फिर मिलते हैं शाम को चाय पे. कुछ साविक के स्कूल से आ गया हुआ है, क्या है ये बताओ? सावी बताएगा मनीष. गिफ्ट है ये कोई? देखो पहले मैं दिखा देती हूँ है क्या है. देखो कितना बड़ा डब्बा आया हुआ है, इसमें कुछ इटरी आइटम्स है, पता नहीं क्या है. तो तुम सरप्राइज क्यों खत्म कर रहे हो? साविर बताएगा ना. क्या है ये? बोल के तो देखो, मेरे को पता है आप क्या बोलोगे. ब्लैक ब्रेकफास्ट क्लब. उन्होंने कहा कि जो उनके जो ब्रेकफास्ट देते हैं ना, जो स्कूल में मिलता था, तो उन्हीं की तरफ से कुछ सरप्राइज है, कुछ इटरी आइटम्स है इसमें. तो क्योंकि वो ब्रेकफास्ट बहुत दिनों से दे नहीं रहे हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने एक पूरा बॉक्स बना के दिया है, ऐसा फूड जो खराब ना हो. चलो खोलो इसका इनॉग्रेशन. साविर की खुशी का चेहरा दिखाना जरा. साविर अपना चेहरा टंग के साथ. वाओ, नाइफ पहले साइड कर लेना मनीष, इस बच्चे का कुछ पता नहीं है. मनीष
मैंने वाओ व्हाट इज इट वाओ अवन बेक कॉर्न क्रैकर्स ओह माय गॉश मिल्क मैं सबसे पहले तो ये बैग दिखाना चाहती हूँ ये पूरा बॉक्स इसमें सारा फूड ही है खाने के लिए और हम मनीष क्या कोई पैसे पे करते हैं इनको ये ब्रेकफास्ट देने के लिए नहीं सो दैट इज फ्री और गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है वाओ गुड जॉब तो ये बहुत दिनों से इनके ब्रेकफास्ट नहीं आ रहा था इसीलिए अब इनको ये मिला कैरेट्स गुड जॉब सावर और एप्पल भी इसमें हाँ कैरेट्स भी है बेबी कैरेट्स और भी एप्पल है एप्पल भी है और एक ब्रेड भी है और ये ब्रेड भी है वाओ दैट्स टू गुड एक्चुअली है ना मनीष अच्छा है ना वैसे हाँ, कितना हाँ, ऑल सब हेल्दी चीजें दी हैं उन्होंने जो भी है या बट ये व्हाट अबाउट दिस इट्स योगर्ट Wow, Sevier, your favorite yogurt. So, आप कल थैंक यू बोलोगे अपनी टीचर को जाके कि नहीं बोलोगे कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? बनाना स्ट्रॉबेरी और ये व्हाट फ्लावर फ्लावर ये चलो ठीक है थैंक यू इतना बड़ा बॉक्स खोलने के लिए हमारे सामने ओपन सावेर These are good. Kitna hai? How much it cost? Read this one. 35. Yeah. No, they are not expensive. ये तो सावे की जैकेट से मैच कर रहा है ब्लू ये तो अभिजी आइस के लिए है ये आइस के लिए है क्यों क्यों स्केट रोलर रोल कैसे करेगा अच्छा इसमें सिंगल ब्लेड होती है Wow, Savi, you ready? Show me, you ready? Thumbs up. Hi, welcome to King's Point McDonald's. Are you collecting your destination is on the left. One large and one medium fries. Large and medium fries? Yeah. Is that all? Yeah, that's it. Perfect, director. Yeah, thank you. देना झंडा कर देना फतेह कहाँ जा रहे हो जंग पे जा रहे हैं जंग पे जा रहे हो ऑल द बेस्ट फॉर द जंग मैं दिखाती हूँ बने रहना साविर के इस मूड में जंग जंग पे लड़ने के लिए ना पूरा परिवार जा रहा है मतलब हम तीनों के तीनों जा रहे हैं कौन सी जंग है वो भी मैं आप लोगों को जल्दी दिखाने वाली हूँ तो बस बने रहो वीडियो में और साविर जंग पे जाने से पहले देखो उसकी शक्ल देख लो उसका जंग पे जाने का बिल्कुल मन नहीं है बने रहो वीडियो में और दिखाते हैं कि कैसी जंग है वो अच्छा एक चीज तो मैं बोलना भूल गई मिलती हूँ आपको जंग के क्षेत्र में जंग के मैदान में क्या होता है अखाड़े में जंग की तैयारी शुरू Good job, Savir.
एक्साइटेड रख रहा है एक्चुअली यार वो फर्स्ट डे क्यों नहीं। तो आपको ये गेम अच्छी नहीं लगी आइस स्केटिंग तो कौन सी गेम करनी है आपको स्केट बोर्ड्स नेक्स्ट टाइम हम स्केट बोर्ड में डाल देंगे बट आज आपने बहुत अच्छा किया गुड जॉब मनीष एंड साविर या सो अभी आ चुके सो घर हम आ चुके हैं चाय बन रही है अभी हमारी हमारे लिए ठीक है थक गए हैं बिल्कुल आकर वहां से एंड साविर की जो क्लास थी ना वो आज की कोई बड़ी अच्छी नहीं रही है आप लोगों ने देखा होगा लेकिन अभी हम बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर सकते ये बोल के कि उसको नहीं आएगा उसको आ जाएगा और वो खुद से भी बहुत मोटिवेटेड है वहां पे वो जरा थोड़ा सा निराश हो गया था लेकिन उसके बाद उसने मुझे कहा आते आते कि मम्मा मैं कर लूंगा और जब आप कर लूंगा ना तब आप मेरा वीडियो शेयर करना सबके साथ तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मुझे लगता है यहाँ पे ना हर एक कैनेडा में जनरली सारे लोग अपने बच्चों को ना किसी किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखते हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई एक्टिविटीज नहीं होती तो इन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा जो है ना वो बिजी रहता है चाहे यहाँ सॉकर कुछ ना कुछ गेम्स में जरूर इन्वॉल्व रहते हैं मैंने सोचा था दो तीन गेम्स में रखूंगी लेकिन अभी के लिए साविर एक कर ले वही बहुत है क्योंकि ना हमारा खुद का जो स्केड्यूल है ना वो भी बहुत हेक्टिक होने वाला है इन फ्यूचर मैं भी स्कूल ज्वाइन करूंगी वापसी है ना तो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 एक्टिक फॉर अस क्योंकि मैं भी 6 बजे आया करूंगी फिर उसको छोड़ना लेना बहुत 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 डिफिकल्ट हो जाएगा तो चलिए यही था आज का व्लॉग हमारा और आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली एंड हमारे इसी तरह के व्लॉग देखते रहिए सो बाय बाय एवरीवन टेक केयर